किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। खेती किसानी को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज का बेहद खास कार्यक्रम उनके लिए जो कि कृषि शिक्षा को खेती किसानी की बुनियाद मानते हैं, तो फिर आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में आइए देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कॉलेज व प्रशासनिक भवन का शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कृषि छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें देश के कृषि क्षेत्र की समृद्धता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि खेती व इससे जुड़ी तकनीक व्यापार के बारे में वो अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को और भी बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति में इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसी झांसी से, बुंदेलखंड की इसी धरती से आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है कि मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुँचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है, कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, भारत में किसान को
बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे FPOs अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। जब किसान व खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और आसपास भी रोजगार व स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कृषि सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि आज बीज से लेकर बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का काम निरंतर किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ 1 केंद्रीय कृषि विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, आज 3-3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देश में कार्यरत है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने भी मदद करेंगे। अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए खासतौर पर बुंदेलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। स्थानीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हो, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा रिसर्चर्स को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर एक समर्पित भाव से 1 लाइफ 1 मिशन की तरह काम करना होगा। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है
कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो, गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट के जानकारों के इस इकोसिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्वविद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। समारोह में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2014 से कृषि शिक्षा की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। झांसी कृषि विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय हैं व 22 राज्यों के विद्यार्थी यहां अध्ययनरत हैं। इस विश्वविद्यालय के पूरी तरह संचालित होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र सहित देश भर को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में जैविक खेती की बड़ी संभावना है, जिसके लिए कृषि मंत्रालय व उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सेवा करने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है। वहीं 6 नए कॉलेज प्रारंभ करके केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का विस्तार किया गया है। पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विकास व आजीविका सुरक्षा के सम्यक सुधार को उच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि गतिविधियों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश व मेघालय में कृषि कॉलेज, मिजोरम व सिक्किम में बागवानी कॉलेज, नागालैंड में पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, इम्फाल मणिपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी कॉलेज हैं। कृषि अनुसंधान के लिए पूसा नई दिल्ली स्थित देश का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो है ही, कृषि के क्षेत्र में ऐसे उत्कृष्ट संस्थान को दोहराने के लिए IARI जैसे 2 नए संस्थान झारखंड व असम में भी स्थापित किए गए हैं। PhD में कृषि छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप प्रति माह 15,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए की गई है। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है व इसके सत्परिणाम भी आने लगे हैं। लॉकडाउन के बावजूद किसानों ने मेहनत से रबी फसलों की बंपर पैदावार की है। ग्रीष्मकालीन फसलें अधिक बोई, खरीफ की बुआई भी पिछली बार से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ज्यादा हुई है। PM किसान में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 92 करोड़ रुपए उनके खातों में दे चुके हैं। इससे किसानों की आय वृद्धि के साथ उनकी सहायता हुई है। कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आए, इस दृष्टि से 10,000 FPO बनाने, 2.5 करोड़ किसानों को KCC उपलब्ध कराने, 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना, नए कानून बनाने जैसे कदमों के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं हजारों कृषि विद्यार्थी व शिक्षक ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम का संचालन ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने किया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार ने विद्यार्थियों व प्रधानमंत्री के बीच संवाद का संचालन किया। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अब आप इन रंग बिरंगी विदेशी सब्जियों का मजा झारखंड में भी ले सकते हैं।
काफी दिनों से रांची में इंग्लिश वेजिटेबल का स्टॉल लगाने वाले शिव नारायण साहू कहते हैं कि पहले इन सब्जियों को बाहर से मंगवाना पड़ता था, मगर अब ऐसी कुछ सब्जियों की खेती राजधानी रांची के आसपास के गांव में भी की जा रही है। सर, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये जो है अब नगरी बेदों काके में भी खूब होने लगा है। हम लोग लोकल ही ले रहे हैं स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न किसान लोग से। ब्रोकली के बारे में बताइए। ब्रोकली सर लोकल भी होता है, खूब हो रहा है। हाँ, खूब हो रहा है। एक महीना बाद चालू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, बाजार में आना शुरू हो गया है जी। और जब नहीं आता है तो हम लोग हिमाचल से मंगाते हैं बाहर से जी। अब यहाँ भी शुरू हो गया है, अब यही लोकल लेना शुरू करेंगे। अब हर साल बेचते भी हैं, हर साल बेचते हैं लोकल ब्रोकली। ये कांके रोड में उगाया जाता है, कांके में जी। कांके तरफ उगाया जाता है, तो किसान लोग हम लोग आके दे जाता है, तो लोकल ब्रोकली भी बेचते हैं। ऐसी इंग्लिश वेजिटेबल्स के शौकीन राजू सिंह कहते हैं कि इन सब्जियों में विटामिन्स और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है और इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है ना, वो तो डेफिनेटली बेहतर होगा, डेफिनेटली बेहतर होगा और अच्छा होगा। चेरी टोमेटोज जो चीज़ यहाँ पे अब मिलना शुरू हुआ है, पहले नॉर्थ ईस्ट का ये स्पेशलिटी होता था, मगर अब झारखंड में जो लोग जानते हैं उसकी खेती कर रहे हैं और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। उसी तरह बहुत सारे मशरूम, अगेन मशरूम भी है, बेबी कॉर्न है, अब ये सारा चीज़ यहाँ में मिलना शुरू हुआ है ना। तो बेबी कॉर्न हुआ, कॉर्न किसी भी फॉर्म में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो डेफिनेटली जिन लोगों को जरूरत है उन चीज की, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। झारखंड को खनिज के साथ साथ सब्जियों का भी हब माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। ऐसे में इन विदेशी सब्जियों की खेती का प्रचलन निश्चित तौर से झारखंड के किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मददगार साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसान एकीकृत कृषि की ओर रुख कर रहे हैं। एकीकृत कृषि में कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि ये एक दूसरे के पूरक होकर साथ साथ वृद्धि करते हैं। इस तकनीक में लागत कम आती है और कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं। एकीकृत कृषि प्रणाली से संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ में इजाफा तो होता ही है, इसके अलावा इस व्यवस्था से पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाता है। ये सर्वलाभ व्यवस्था एक तरह से स्वसंपोषित प्रणाली है।
इसमें अवशेषों के चक्रीय व जल और पोषक तत्वों का लगातार प्रवाह और उपयोग होता रहता है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और किसानों की आमदनी में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक उद्यम दूसरे उद्यम पर निर्भर होता है। अगर किसान बागवानी कर रहे हैं तो मधुमक्खी पालन सरलता से किया जा सकता है। इसी तरह मछली पालन के साथ साथ सिंगाड़े की खेती, बतख पालन, सूकर पालन और केले की खेती आसानी से की जा सकती है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों को जानकारी देकर इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से पाया गया है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। रसायनों की कम से कम प्रयोग से कृषि में होने वाले खर्च में भी कमी आई है। इस तकनीक को अपनाने वाले कम जोत वाले किसान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सशक्त और सबल हुए हैं। साथ ही इससे किसान के परिवार को न सिर्फ पूरे वर्ष रोजगार मिला बल्कि आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।